welcome to the new vlog. और आज as usual हर महीने की तरह shoot day है. हम shoot के लिए जा रहे हैं फिर से outdoor location. और हमारी मैडम यहाँ पर थोड़ा बहुत तो hint लग गया होगा आपको क्या है theme इस बार का. पता भी नहीं चला और 9 months हो गए. 9 months in and 9 months out इस बार. 9 महीने मेरे तो बहुत ऐसे लग रहा था कि यार जल्दी ख़त्म हो जल्दी ख़त्म हो जल्दी बाहर आओ. और इसके 9 महीने कब चले गए पता भी नहीं चला. Outdoor location by the pool. Shanu Monu. I love you. Hi. Bye, Gudu. Bye. Yes, so we made her mermaid this time. और इस बार तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएं क्या बनाएं. 9 months and 9 months out का कुछ सोच रही थी मैं. बट वो थोड़ा सा बहुत थोड़े बहुत ज़्यादा प्रॉप्स चाहिए थे उसके लिए. तो मैंने सोचा मर्मेड व्हाई नॉट दिस टाइम. हेलो द स्टार इन द मेकिंग बिल द स्टार. मैं कभी कभी सोचती हूँ बड़ी हो जाएगी तो वो देखेगी ये सब थीम्स और फोटोज अपने व्लॉग्स वगैरह तो सोचेगी यार ये क्या बनाया है मुझको. यार ये ना सोचे कभी. होते ना बच्चे बड़े होकर के थोड़े अलग उनका एक माइंडसेट चलता है. तो बट बेटा इफ़ यू आर वॉचिंग दिस आफ्टर 18 ईयर्स आई एम ग्लैड कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई और मैं तुम्हें ऐसे ऐसे बनाया है तुम्हें गुड़िया की तरह सजाया है. रानी गुड़िया रानी प्यारी सी गुड़िया किधर चली गई किधर चली गई किधर चली गई. दुल्हन बन गया तू तो. हाँ अच्छा ऐसे 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 ऐसे. अरे वाह अनाया बहुत एक्साइटेड है दुल्हन वुल्हन बन रही है आजकल क्योंकि अपनी लाइफ की वो फर्स्ट वेडिंग अभी अटेंड करने वाली है. हम जा रहे हैं मेरी फ्रेंड की शादी में तो उसकी फर्स्ट वेडिंग है ये. मम्मा तो बहुत इंजॉय करती है वेडिंग्स. आप करोगे डांस? तो मैंने आपको बताया कि हम लोग एक वेडिंग के लिए जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी. जब बेबी ओनली ब्रेस्ट फीड पर होता है तो बहुत आसान होता है उसके साथ ट्रैवल करना. क्यों? क्योंकि पहली बात वो इतना छोटा होता था तो इतना परेशान नहीं करता. आपकी गोदी में रहेगी और ये वो. और दूसरा कि उसका खाना ऑलरेडी मम्मा साथ में लेके चल रही है ना गर्म करने का झंझट
ना स्टरलाइज करने का झंझट, क्योंकि उसका जो है जो ब्रेस्ट फीड वो ले रही है वो ऑलरेडी साथ में है, तो वो झंझट नहीं है. बट आफ्टर 6 मंथ्स जब आप उसको सॉलिड्स भी देना स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत डिफिकल्टी हो जाती है कि क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या करना है. और जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ अभी, तो मैंने ये छोटे छोटे ये बनाए हुए हैं पैकेट्स, कि इसमें थोड़ी सूजी रखी है, थोड़ी हल्दी रखी है, थोड़ा नमक वगैरह, अजवाइन वगैरह रखा है, कि अगर कहीं पर उसके जैसा खाना ना मिला तो मैं कुछ बना सकती हूँ. क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे ऑब्वियसली गैस तो अवेलेबल है, तो ये कर सकते हैं. तो पहले मुझे लगता था कि बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत परेशानियाँ होती हैं, कि सो नहीं पाते आप ठीक से, ब्रेस्ट फीड बहुत ज़्यादा होता है और ये सब वगैरह. तो बड़ा होते जाते बच्चे बड़े होते जाते तो बहुत आसान हो जाता होगा, बट नहीं. टॉडलर्स तो बहुत परेशान करते हैं. तो ये जो फेज होता है ना, न्यू बॉर्न टू 7-8 मंथ्स तक, वो आपका पीसफुल टाइम है, यकीन मानिए. क्योंकि नींद नहीं आ रही, ठीक है यार, नींद आप कैसे भी पूरी कर ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं. और वो मदर्स का तो फिर नींद भूल ही जाओ, तो आदत भी हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है. पर जो ये पीसफुल जो आपका टाइम है ना, प्रेग्नेंट होने से लेकर तक, प्रेग्नेंट होने से लेकर के बच्चा जब तक 6-7 महीने का नहीं हो जाता, तो आपको बहुत पीसफुल टाइम. उसके बाद जब लटकना मटकना, इधर उधर चढ़ना उतरना जब सीखते हैं ना बच्चे, तो आपको मन भी करता है कि वो ये सब करें, वो सीखें. और फिर ऐसा भी लगता है कि हे भगवान, यहाँ से पकड़ो, यहाँ उठाओ, यहाँ बिठाओ, यही सब चलता रहता है. और प्लस फिर वही फूड के लिए मुझे लगा था कि बाद में बहुत आसान हो जाएगा, कि बाद में तो हम उसको जो हम खा रहे हैं हम वो खिला सकते हैं उसको, बट नहीं. वो उसका बेबी का एक तो स्टरलाइजेशन होना चाहिए, बर्तन अच्छे होने चाहिए आप उसमें जिसमें दे रहे हो उसको खाना, वो जैसे खा रही है, उबला हुआ होना चाहिए खाना, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है. तो वो तो जो ब्रेस्ट फीड होता था वो तो एकदम रेडी मेड, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी. सो गाइज, थैंक यू, अभी तक आप अपना प्यार, अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं, हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब खुद भेज दे हमारे व्लॉग्स का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए. और हमारे साथ आप कमेंट सेक्शन में बातें भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं आपको क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है, कुछ ऐड करना चाहिए हमको, कुछ नया करना चाहिए हमको, प्लीज़ बताइए. प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.